सबसे पहले बात ममता बनर्जी की। जी हाँ, क्या ममता बनर्जी से बदसलूकी किसी साजिश का नतीजा थी? ममता बनर्जी की माने तो किसी के इशारे पर हुआ दिल्ली में उन पर हमला। बदसलूकी से नाराज ममता ये आरोप लगाते हुए आज कोलकाता लौट गई। उन्होंने पीएम के बाद चिदंबरम से भी मुलाकात को रद्द कर दिया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि दिल्ली सुरक्षित नहीं। मैं वापस जा रहा हूँ सब प्रोग्राम कैंसिल करके। ममता के तेवर शांत थे, हमला फिर भी जारी था। ममता की आवाज धीमी थी, गुस्सा फिर भी तीखा था। और मेरे को भी थोड़ा कल पूरा होल नाइट ऑक्सीजन दिया मैं घर में, क्यों मैं हॉस्पिटल जाने पसंद नहीं करता। वो डॉक्टर आया था एडमिट करने के लिए बोला था, लेकिन मैंने नहीं किया। इसी के लिए मैं वापस जा रहा हूँ, उधर में हम देख लेंगे। जो ममता मंगलवार को सरेआम सरकार के मंत्रियों को जमकर फटकार पिला रही थी, आज वो धीमी आवाज में ही सही पर साफ साफ ये कह गई कि उन पर हुआ हमला एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। पुलिस को जो बोला कि आप लोग दरवाजा खुलिए, हमको अंदर में जाने दीजिए, मीटिंग है, वो बोलता है चाबी नहीं है। वो बोलता है अभी कैसे देगा, इंतजार करो। मेरे को सिक्योरिटी ऑफिसर बोला कि आप दरवाजा तो खुलिए, तो बोलता है इंस्ट्रक्शन नहीं है। घटना मंगलवार को हुई, योजना आयोग के साथ ममता बनर्जी की बैठक थी, लेकिन कोलकाता कांड को लेकर एसएफआई के कार्यकर्ता पहले से ही मोर्चा बांधे बैठे थे। ममता और उनके वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ बदसलूकी हुई, जाहिर है ममता को ये नाकाबिले बर्दाश्त गुजरा। अपने अंदाज में ही सरेआम गुस्सा भी उतारा। किसी राज्य की मुख्यमंत्री के साथ ऐसी घटना, सवाल दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी उठे। दीदी की माने तो खुद प्रधानमंत्री ने इस घटना पर अफसोस जताया। पीएम का साथ जो अपॉइंटमेंट था मैंने नहीं कर पाया, I apologize for that. He also told me that Mamtaji, what happened, I apologize to you. It should not happen. इसकी निंदा करनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ कोई पार्टी करे, ये सही नहीं है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। कोलकाता में एक छात्र की मौत हुई, बुरा हुआ। दिल्ली में उसके बाद मुख्यमंत्री और उनके साथी मंत्री से बदसलूकी हुई, ये और बुरा हुआ। लेकिन भरे मन से अधूरी यात्रा छोड़कर ममता ने कोलकाता जाते हुए जो कहा, वो सबसे बदनुमा दाग था जो दिल्ली को एक बार फिर बदनाम कर गया। फिर आएंगे, लेकिन दिल्ली इज नॉट सेफ, आई एम सॉरी। ये सच है कि ममता की तबीयत खराब है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से नहीं मिल सकती थी। यही तो ममता की राजनीति का अपना अलग अंदाज है। उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि ममता को जब गुस्सा आता है तो वो ना तो किसी की सुनती है, ना ही उन्हें किसी चीज की परवाह रहती है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। तो ममता बनर्जी कोलकाता लौट गई और वहां जाके अस्पताल में भर्ती हो गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी का गुस्सा बेमतलब है? सवाल यह है कि क्या ममता पर जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी खुद ममता ही है? दिल्ली पुलिस कहती है कि ममता को मना किया गया था, उन्हें दूसरे रास्ते से जाने को कहा गया था, लेकिन वो नहीं मानी। योजना भवन के बाहर ममता बनर्जी और उनके मंत्री अमित मित्रा के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो दिल्ली पुलिस की नाकामी थी या फिर खुद ममता ने जानबूझकर की थी आ बैल मुझे मार की गलती? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही इशारे कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक ममता बनर्जी ने उनकी सलाह को नजरअंदाज किया था। ममता से कहा गया था कि वो वीआईपी गेट से अंदर आए, लेकिन ममता जानबूझकर विरोध वाले रास्ते से अंदर गई। जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ, इसे कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता है, लेकिन इसके पीछे ममता जी की खुद अपनी जिम्मेदारी भी है।
जब पुलिस ने उनको ये कहा कि जाकर प्लानिंग कमीशन के गेट का जो ऑफिस के गेट पर उतरिएगा आप, यहाँ मत उतरिए, तो उन्हें हीरोइज्म दिखाने की जरूरत क्या रही थी कि वहीं फौरन उतर गई भीड़ के अंदर। योजना भवन के वीआईपी गेट पर ममता को रिसीव करने के लिए अफसर खड़ा था, लेकिन ममता ने एंट्री गेट से एंट्री की। ममता से जब ये पूछा गया तो एक शब्द में जवाब था, नहीं ऐसा नहीं है। The police yesterday said that you were asked to take the VIP gate and that was upon the protocol officer told you. You deliberately decided to take the main not gate. Not at all. Not at all. ममता पर हुए हमले में जो लेफ्ट पार्टियां निशाने पर है वो खुद भी इसे दुखद बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि कोलकाता कांड पर ममता ने ना वैसा कहा होता और ना उनके साथ ऐसा हुआ होता। The delegation of West Bengal led by the chief minister was told by the security to enter the planning commission through a particular gate where the demonstrators who were protesting against the death of Sudipto Gupta in under police custody were not there. The demonstrators were in another gate and this delegation was asked to go through another gate. But they deliberately chose to want, and I'm sure that was intention was that to have a confrontation. But however, in that sort of a confrontation situation, what happened is something we totally disapprove. योजना भवन के सामने हुए हंगामे को जहां ममता बनर्जी ने अपनी जान पर हमले की एक साजिश बताया, वहीं सीपीएम ने इसको कहा कि ये ममता की खुद की गलती है कि उन्होंने गेट बदल दिया था। वहीं देश की दूसरी सभी तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक नफे और नुकसान से इस घटना को देख रही हैं और इसकी व्याख्या कर रही हैं। बीजेपी को लगा कि चाहे जिम्मेदार जो भी हो, मौका है दीदी के करीब आने का, तो क्यों ना इसे हथिया लिया जाए। 2014 के साथियों की तलाश में जुटे राजनाथ ने फौरन इस मुद्दे पर अपनी संवेदना जता दी। और जो कुछ भी हुआ है ममता जी के साथ और अमित मित्रा जी के साथ, वह बहुत ही निंदनीय है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली की हालत ऐसी हो गई है इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में, यहां पर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। सियासत की तो आदत है, हर बात का मुद्दा बनता है। ममता के साथ जो कुछ हुआ उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये ममता की ही गलती तो नहीं थी। लेकिन कई हैं जिन्हें वोट की राजनीति में ममता की जरूरत है, उनकी तरफ से ममता के लिए संवेदनाएं प्रेषित हैं। शमशेर सिंह और अमिताभ सिन्हा के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली आज तक। और दिल्ली में कल जो कुछ हुआ उस पर जमकर सियासत हो रही है। ममता बनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने आज पश्चिम बंगाल में धिक्कार दिवस मनाया। अलग अलग शहरों में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग अंदाज से धिक्कार दिवस मनाया। कोलकाता में कार्यकर्ताओं ने गांधीगिरी के जरिए अपने खून से लिखकर विरोध जताया। टीएमसी ने एसएफआई और सीपीएम को खून से लिखकर दिया थैंक यू और साथ में गुलाब भी भेजे। आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लेफ्ट के पुतले फूंके। बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस ने सीपीएम के दफ्तर में आग भी लगा दी। तो तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, कुछ इस तरह से आज धिक्कार दिवस मनाया गया पश्चिम बंगाल में। ये तस्वीरें बांगी है ममता सेना के गुस्से की। तरीका अलग अलग जरूर था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी नाराजगी का इजहार इसी तरह से करते रहे। इधर दिल्ली में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी पर हमला किया, उधर टीएमसी की सेना खड़ी हो गई धिक्कार करने को। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कहीं गांधीगिरी के रास्ते से ये विरोध हुआ तो कहीं तेवर आक्रामक थे। ये तो पीसफुल है, साइलेंट प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, आप तो देख रहा है लाखों लाखों पूरा पश्चिम बंगाल, ऑल ओवर द कंट्री देयर आर पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग साइलेंटली। कोलकाता में तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। लोग तीन पत्तों के झंडे लहराते रहे और जमकर हंगामा करते रहे। इस कांड पर पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है। लेकिन कोलकाता की कलह पर जब दिल्ली में दीदी से सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो कोई और हैं जो हमारे झंडे का इस्तेमाल कर झमेला कर रहे हैं। एंड बंगाल आई एम टेलिंग यू आफ्टर 35 इयर्स देयर शुड हैव बीन अ ब्लड बाथ। आई एम देयर, दैट्स व्हाई टोटल पीसफुल। एंड सीपीएम समटाइम्स दे यूज आवर फ्लैग्स आल्सो टू क्रिएट सम ड्रामा एंड ऑल दिस।
डोंट ट्रांसलेट। प्रेसिडेंसी कॉलेज के दरवाजे के ये टूटे कांच के टुकड़े बयां करते हैं और आईना दिखाते हैं पश्चिम बंगाल के हालात का। आगजनी से लेकर तोड़फोड़ तक ऐसी कोई जगह नहीं जो अछूती रह गई है और आने वाले दिनों में कितना नुकसान होगा ये सिर्फ समय ही बताएगा। ममता की अस्मिता के लिए राज्य भर की सड़कों पर टीएमसी के कार्यकर्ता धिक्कारते रहे और सियासत की गलियों में नेता एक दूसरे पर बरसते रहे। खुद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता पर हमले की निंदा की। ममता बनर्जी पर हमला लोकतांत्रिक मूल्यों पर धब्बा है। यह हमला सोची समझी साजिश लगता है। इसके लिए पोलित ब्यूरो को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन लेफ्ट को भला राज्यपाल की ये टिप्पणी कहां से बर्दाश्त होती। आरोप मढ़ा कि अच्छा होता अगर वो दोनों आंखें खोलकर हालत को देखते। इट्स नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नर। यस्टरडे आफ्टर द इंसिडेंट दैट इज टेकन प्लेस इन फ्रंट ऑफ द योजना भवन द सीपीएम पोलित ब्यूरो मेंबर्स हैव कंडेम्ड इट। बट नाउ द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर दे शुड सी व्हाट्स हैपनिंग इन बंगाल। लेकिन दीदी के दिल्ली कांड की कहानी इतने पर खत्म नहीं होने वाली। सियासत में अभी तो ये घटना मुद्दा बनी है। देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या। कोलकाता से मनोज्ञा लोहिवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और जिस तरह ममता बनर्जी अपना आपा खोती हैं, उससे सवाल उठना लाजमी है कि उन्हें गुस्सा क्यों आता है। ये पहला मौका नहीं है जब ममता इस कदर भड़क उठी है। What is this? Why is police around them? In front of police, Delhi, they are beating us. दिल्ली में जिसने भी ममता बनर्जी के तेवर देखे याद आ गई दीदी के गुस्से की पुरानी कहानी। जिसने कभी सरकार को संकट में डाला तो कभी अपने ही सांसद से मंत्री की कुर्सी छीन ली। ममता के गुस्से की सबसे बड़ी कीमत अगर किसी को चुकानी पड़ी है तो वो है दिनेश त्रिवेदी। ममता से बगैर पूछे रेल बजट में दिनेश त्रिवेदी ने यात्री किराया बढ़ा दिया। ममता इतनी आग बबूला हुई तो दिनेश त्रिवेदी को रेल मंत्रालय छोड़ना पड़ा। 3 महीने बाद ममता ने सरकार को फिर तेवर दिखाए। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के मसले पर सरकार पर उन्हें भरोसे में ना लेने का आरोप लगाते हुए मुलायम के साथ मिलकर खींच ली तलवार। मनमोहन सिंह जी और हमारा चटर्जी जी पकड़ो। नाम का बारे में अगर सर्वसम्मति हो तीनों में एक नाम ये नहीं पकड़ो तो अच्छा होगा देश के लिए। हम लोगों ने सबको अपील करते हैं कि आप लोग ध्यान से सोचिए और देश का राष्ट्रपति जो यूनानिमस सबको सपोर्ट लेके हो सकता है जिसके लिए काम कर सकते। हालांकि बाद में मुलायम ने यू टर्न लिया और ममता ने भी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही ममता का गुस्सा फिर सामने आया। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा बनाकर सरकार से समर्थन खींच लिया। यूपीए से पहले ममता एनडीए के साथ थी। तहलका के खुलासे को मुद्दा बनाकर वहां से ममता बाहर हुई थी। बहरहाल ममता के निशाने पर सिर्फ सरकार ही नहीं रही, आम लोगों पर भी उनका गुस्सा भड़का है। पिछले साल अप्रैल में जाधवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने ममता का कार्टून बनाया था। इसी साल फरवरी में बुक फेयर के दौरान गाड़ी आने में देरी हुई तो ममता ने गार्ड को सरेआम थप्पड़ मारने की धमकी दी थी। इसी घटना के कुछ दिनों बाद एक कार्यक्रम में उन्होंने एक फोटोग्राफर को थप्पड़ मारने की धमकी दे दी थी। साफ है ममता का गुस्सा नया नहीं है। हाँ, मोंटेक सिंह अहलूवालिया के लिए जरूर ये अनुभव नया है जो ममता के निशाने पर थे। आज तक ब्यूरो। और कल जो कुछ हुआ उसके बाद ममता बनर्जी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से नहीं मिली और आज कोलकाता लौट गई। और कोलकाता लौटते ही वो अस्पताल में भर्ती भी हो गई। अब से कुछ देर पहले उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है। ममता बनर्जी जो अस्पताल में कोलकाता में भर्ती है, कहा जा रहा है कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनकी पीठ कंधे सीने और गर्दन में दर्द है। तो दिल्ली से कोलकाता लौटते ही ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती हो गई और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये तमाम जानकारी जो है अब से कुछ देर पहले जो मेडिकल बुलेटिन आया है उसमें दी गई है। 1984 सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर फिर से कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। दिल्ली की एक निचली अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पुलबंगश दंगा मामले में टाइटलर की भूमिका की नए सिरे से जांच के आदेश सीबीआई को दिए हैं। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। सिखों के
1984 के सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर कानूनी शिकंजा कस गया है। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ केस फिर से चलाने का आदेश दिया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने यह दावा किया था कि पुलबंगश में हुए दंगे में टाइटलर की मौजूदगी के पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए उन पर केस नहीं बनता है। देखिए, ये आज एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। ये जो अनुराधा शुक्ला जी, जो एडिशनल सेशन जज ने ये जो कहा, क्लीन चिट रिजेक्ट किया है और सीबीआई को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किए हैं। अब ये कोर्ट का ये ऑर्डर आदेश देना एक तरह से ये ऐसे तरह के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके जो सीबीआई फैसले लेती है उसमें सीबीआई को बहुत ज्यादा बहुत बड़ी फटकार है। और अब हमें उम्मीद है कि सीबीआई प्रॉपर काम करेगी और जल्दी से जल्दी करेगी। अदालत में सीबीआई गवाहों के मुद्दे पर भी घिरी। आरोप है कि उन लोगों को गवाह बनाया गया जिन्हें इस खौफनाक हादसे के बारे में पता भी नहीं था। बाकी कोई उम्मीद करे, मैं उम्मीद नहीं कर सकती। हमें 29 साल हो गया, रोते रोते हमारा आदमी गया, मेरी सास गई, हमें कोई ना नौकरी मिली ना कुछ मिला। जगदीश टाइटलर पर पुलबंगश इलाके में 3 सिखों की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप है। टाइटलर ने ये दावा किया था कि दंगे के समय वो प्रधानमंत्री के आवास पर थे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अप्रैल 2009 में सीबीआई ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए केस को बंद करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया था। अदालत के इस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। अब नए आदेश से जहां टाइटलर मुश्किल में है, वहीं कांग्रेस भी फंसी दिख रही है, क्योंकि विपक्ष के तेवर हमलावर हैं। आज तक जो उसके भागीदार लोग थे उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई काम नहीं हुआ, यानी वैसे तमाम लोगों को आज भी मंत्री बनाया हुआ है जो उसमें लिप्त थे। बहुत सारी एफआईआर दर्ज नहीं हुए, बहुत सारी एविडेंस को गलत तरीके से पेश किया गया, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर दिखाई देती है। बहुत अच्छी बात है कि अगर कानून ने अपने कदम उठा लिए तो लेट देम फेस द कॉन्सिक्वेंसेस अगर ऐसा कुछ हुआ, मगर अभी तो आपको सबूत समेत कुछ नहीं पेश हुई है। जहां तक जगदीश टाइटलर की बात है, 28 साल से पीड़ित इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद पीड़ितों में एक उम्मीद जगी है। कोर्ट के आदेश ने टाइटलर की मुश्किलें बढ़ाई है, तो साथ ही 3 दशक से लगातार इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे पीड़ितों के लिए छोटी सी ही सही लेकिन एक उम्मीद को बरकरार रखा है। अब देखना होगा कि ये उम्मीद किसी नतीजे तक पहुंचती है या हर बार की तरह ऐसे ही दम तोड़ेगी। कैमरामैन रंजीत के साथ पूनम शर्मा, दिल्ली, आज तक।